और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। पूरे भारत में चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। किस तारीख को आपके क्षेत्र में चुनाव होगा, इसको जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 फेज में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। साथ ही 21 राज्यों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 फेजेस एज वाज डन लास्ट टाइम। 7 फेजेस। आइए एक नजर डाल लेते हैं पूरे चुनाव शेड्यूल पर। 7 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीटों पर, दूसरा चरण 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, 94 सीटों के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर वोटिंग, पांचवा चरण 20 मई 49 सीटों पर वोटिंग, छठवा चरण 25 मई 57 सीटों पर वोटिंग, सातवें और आखिरी चरण 1 जून 57 सीटों पर वोटिंग, 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटें बहुत अहम होने वाली हैं। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि किस किस चरण में यूपी की कितनी सीटों पर चुनाव होना है। पहला चरण 19 अप्रैल 8 सीट, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को 8 सीटों के लिए चुनाव, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। तीसरा चरण 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई 13 सीटों पर, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग होगी। पांचवा चरण 20 मई 14 सीट, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगी। छठा चरण 25 मई को 14 सीटों पर वोटिंग होगी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और बदोही में मतदान होगा। वहीं सातवें चरण को 1 जून के लिए 13 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इनमें वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। पहला चरण यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 85 वर्ष के मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे। वहीं क्रिमिनल कैंडिडेट्स को 3 बार अखबारों और न्यूज चैनलों में खबरें चलवानी होंगी। इतना ही नहीं, पार्टी को क्रिमिनल कैंडिडेट्स को लड़वाने की जवाबदेही भी देनी होगी। वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम जगहों पर अभियान चलाकर चौराहे के पास लगे होर्डिंग व पोस्टर हटाना भी शुरू कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं का भी इस दौरान विवरण पेश किया और इस विवरण से चुनाव में कितना और क्या असर पड़ेगा, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। जनादेश 2024 का डंका बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विज्ञान भवन में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उनकी टीम द्वारा निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है, समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने 24 के चुनाव को लेकर कई आंकड़े भी बताए जो चुनावी नतीजों में अहम फैक्टर बनेंगे। 97 करोड़ मतदाता इस बार करेंगे मतदान। देश भर में 10,50,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग के लिए 55 लाख ईवीएम का प्रयोग होगा। देश में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। देश में 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। 1.82 करोड़ लोग पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। देश भर में 48,000 ट्रांसजेंडर करेंगे मतदान। 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ऊपर के हैं। देश में 19.74 करोड़ मतदाता युवा हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र वाले घर से मतदान करेंगे। प्रत्याशी को टीवी पर क्रिमिनल हिस्ट्री बतानी होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े चुनावों में मतदाताओं के आंकड़े अहम रोल अदा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो, रैलियां, चुनावी भाषण सब इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं का जो ब्यौरा पेश किया है उससे चुनावी माहौल पर कितना असर पड़ने वाला है ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और चुनाव आयोग ने